नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को अनइक्वल क्लासेस के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई सीरीज होती है ना, जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए होते हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कुछ ही ग्रुप्स में इकट्ठी होकर के रह जाती हैं, मतलब पूरी सीरीज के अंदर प्रॉपरली डिवाइड नहीं होती हैं। बीच की सीरीज में या टॉप या लोअर पार्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, और जिसके कारण हमें ठीक से समझ में नहीं आ पाता है कि पूरी एक्चुअल में किस ग्रुप के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कितनी होगी, और दूसरा कि किस तरह से हम जो उससे रिजल्ट निकालते हैं वो रिजल्ट भी हमें सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इन जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन हमें सही रास्ते पर ले चले और एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास आए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी सीरीज को अनइक्वल क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब ये कैसे है ये देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। यहाँ मेरे पास क्लासेस हैं 0 से लेकर 100 तक मेरे पास मार्क्स थे, और इसमें देखिए इसको हम यू मान सकते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 मार्क्स हैं ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने 0 से 10 मार्क्स गेन किए वो थे नंबर 1, एक बच्चा था। 10 से 20 मार्क्स गेन करने वाले 8 बच्चे हैं। 20 से 30 मार्क्स गेन करने वाले 6, 30 से 40 तक लाने वाले 7 बच्चे हैं। 40 से 50 वाले 21, 50 से 60 वाले 23, 60 से 70 वाले 19। यहाँ पर जब आप सीरीज को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि इसका जो ये मिडिल वाला पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट है, दैट मींस कि 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, इसी पोर्शन के अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी इकट्ठी हो रही है। बाकी की देखिए फ्रीक्वेंसी 1, 8, 6, 7 और बिलो पार्ट में अगर देखेंगे 6, 5 और 4 हमें नजर आ रही है, लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट है इसी के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो हमारे स्टूडेंट्स का है वो यहीं पर कलेक्ट होकर के रह गया है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 63 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जिनके मार्क्स 40 टू 70 के बीच में हैं। बाकी के बच्चों के मार्क्स या तो बिलो 40 हैं या फिर अपर अबव 70 हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इससे मीन, मोड या मीडियन या जो भी अपनी कैलकुलेशन में आगे करेंगे अगर वो निकालते हैं तो हमारे रिजल्ट प्रॉपरली सही नहीं आएंगे, और अपने परिणामों को सही निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा इसको आप समझे जरा। जैसे ये है, अब यहाँ पर जहां तक ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मैं इसको कोई चेंज नहीं करूंगी। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40, ओके यहाँ तक तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन इसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगी। इसको हम और पार्ट में, छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55, 55 to 60 and 65 to 70, ठीक है। 70 तक मैंने इसको छोटे पार्ट्स में इसको और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसके बाद मैं वापस से 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100 मैंने वापस से इसको वैसे के वैसे ही कर दिया। अब इसका जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करा यहाँ तक, देखिए 40 तक तो हम फ्रीक्वेंसी इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास जो चार्ट आएगा, इसका भी चार्ट जो आपकी बुक में दे रखा है उसी से मैंने इसको बनाया है, और जो हमारे पास अलग अलग चरों के रूप में मान दे रखे हैं उससे हम टैली बार के थ्रू इसकी हम क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है। जैसे है एक की है 9, देन 12 और फिर है आपकी 10 और 13 और उसके बाद है
8 and 11, 6, 5 और 4, ठीक है। इस तरह की मेरे पास आ जाती है। अब देखिए ये जहां एक जगह इकट्ठी हो रही थी, अब ये पूरी सीरीज के अंदर फैल चुकी है। इससे जब आप रिजल्ट्स निकालेंगे तो वो बहुत सही आएंगे और हमारे जो उद्देश्य है ये सीरीज बनाने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है, वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जब भी हम अभी यहाँ पर हमने सीरीज को क्या करा था, क्लास इंटरवल के अंदर डिवाइड किया था। क्लास इंटरवल में डिवाइड करने से पूरे ग्रुप का हमें पता लग जाता है। 0 से 10 तक मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 1, यानी इसमें 0 वाला भी आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो सारे इस ग्रुप में आ गए। इसी तरह से अगर मैं ये देखूं 30 से 40 वाला 7 स्टूडेंट्स हैं, यानी 30 नंबर और 30 से ज्यादा लाने वाले और 40 से कम लाने वाले 7 बच्चे हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने सारे नंबर आ गए? इसमें 30 आ गया, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, 39 तक के नंबर्स इसके अंदर आ गए, वो है किसके? 7 बच्चों के। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको नंबर दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 10 आपके 10 मार्क्स का आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पेपर लिया है। इस 10 मार्क्स के पेपर के अंदर आप देखिए कि ये मेरे पास है मार्क्स, है ना, एक सीरीज में बनाती हूँ, मार्क्स हैं और इन्होंने मार्क्स जो बच्चों ने लिए हैं वो है 2, 4, 6, 8 और 10। क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो टोटल है 20 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए 2 मार्क्स गेन करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो है 1, एक बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं। 4 मार्क्स के आए हैं 3 बच्चों के, 6 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के और 8 मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के, तो 4 तो ये हो गया, और 10 मार्क्स आए हैं 0 के। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। कितने स्टूडेंट्स है? सॉरी, 20 स्टूडेंट्स है ना ये, तो 20 स्टूडेंट्स में अपन इसको ऐसे कर लेते हैं 5 और 6, यानी कि 8, 8, 6, 8, 14 and 6। ओके, ठीक है, ये है 8 स्टूडेंट्स लेने वाले जो 8 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स हैं 8 और 20 मार्क्स गेन करने वाले हैं 6। तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 20। कितने मार्क्स का पेपर था? 10 मार्क्स का पेपर था और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हो गए हैं 20। और अब इसमें आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बच्चे जिनके मार्क्स आए हैं वो क्या है? 8 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स हैं 8 बच्चे हैं। इसी तरह आप 10 मार्क्स गेन करने वाले कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। आप ये आराम से बता सकते हो इस श्रेणी को देख करके, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि 8.5 मार्क्स गेन करने वाले कितने बच्चे हैं या कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं 3.5 या 4.5 या 5, ये हम नहीं बता सकते। हम इसमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि ये एग्जैक्ट इतने मार्क्स गेन करने वाले कितने बच्चे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग हमारा ये यहाँ पर एक टॉपिक खत्म हो रहा है। एक टॉपिक आपके और बचता है, द्विचर बारंबारता सारणी। द्विचर बारंबारता, ये द्विचर बारंबारता क्या है? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं है, इसको हम डिटेल में, जो आपका कोरिलेशन वाला एक चैप्टर आपका आएगा, सहसंबंध कोरिलेशन, ये कोरिलेशन वाले चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। वहां आप एग्जांपल के थ्रू आपको इसमें समझाएंगे। अभी आपके इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, आप सिर्फ कंफ्यूज होगे। मतलब आप इसको और सिंपल वे में अगर थोड़ा सा समझना चाहते हो तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने मार्क्स की बात करी है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी है। ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं? इको के हैं सपोज, है ना,
इको के मार्क्स गेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन अगर आपके पास इको के साथ साथ अकाउंट्स के भी मार्क्स हैं, है ना, 20 स्टूडेंट्स के अकाउंट्स के भी पता है आपको कि अकाउंट्स के बच्चों ने जो मार्क्स गेन किए हैं उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, किस बच्चे ने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं, वो सीरीज ही पता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट को हम एक ही सीरीज में किस तरह से शो करेंगे ये हम पढ़ेंगे कोरिलेशन वाले चैप्टर में। आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स को ठीक से अपने नोट्स कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।